अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ लोटस क्वीन फ्रॉम पाकिस्तान। आज का व्लॉग मक्कातुल मुकर्रमा से स्टार्ट करते हैं। सो आज हम जा रहे हैं उम्रे के लिए। अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल फरमाए और हम करेंगे बीबी आयशा का उम्रा आज और चलेंगे बीबी आयशा की मस्जिद। सो हमने अभी टैक्सी करवा ली और अब निकले हैं मस्जिद आयशा की तरफ। और ये देखें मक्का के पहाड़, माशाल्लाह से यहाँ का जो व्यू आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत। ये फुल माउंटेन बने हुए हैं, माशाल्लाह तबारक व रहमान। जितनी मक्का मदीना की तारीफ़ की जाए ना, वो कम है। और जो लोग यहाँ से घूम कर गए हैं, उन्हें तो पता ही होगा के मक्का और मदीना में सुकून कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ये सुकून सबको नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और यहाँ की रौनकें ही अलग हैं। और ये हमारा लास्ट उम्रा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तीन उम्रे कर लिए थे और आज हमारा चौथा उम्रा है, क्योंकि कल भी हमने उम्रा किया था तो आज भी हमने सोचा कि हम उम्रा कर लेते हैं। बाकी हमारा एक दिन रहता है जो हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। और ये देखें ये जो लोग बैग्स पहन कर आ रहे हैं, इनका लगता है मुझे होटल यहीं पे होगा और ये बसेस जो हैं वो उन्हें हरम तक ले जाती होगी, क्योंकि दूर दूर जो होटल्स होते हैं उसको हरम तक जो है ना वो बसेस में आते हैं। और हमारा जो है थोड़ा करीब ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख एहसान के अल्लाह पाक ने ये सआदतें नसीब की। जितना हो सके यहाँ पे शुक्र अदा किया करें, दुरूद व सलाम पढ़ा करें और जितना हो सके आप उम्रे किया करें। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई सिंगल बंदा आए ना, वो तो डेली उम्रा करे, क्योंकि पाकिस्तान में अपने जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें सब कुछ होता है, उम्रा नहीं कर सकते हम वहाँ पर। तो इसलिए जितनी इबादत करनी है यहीं पर कर लो, क्योंकि सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और माशाल्लाह से हमें मीकात जो करनी है, इस मीकात की वजह से हम मस्जिद आयशा जा रहे हैं, क्योंकि वो हरम के मक्का के हुदूद के बाहर है। क्योंकि मीकात वहीं से होती है जहां से मक्का से हम बाहर जाएं, तो हमें मक्का से बाहर बीबी जराना का जराना मस्जिद का उम्रा होता है, वो तौइफ की तरफ पड़ता है, उसे बड़ा उम्रा कहते हैं। तो ये जो मस्जिद आयशा है ये हमें करीब पड़ जाती है, तो आज हमने सोचा आज हम यही उम्रा कर लेते हैं। ये हम मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं और ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, जैसे आप बाहर से देख रहे हैं अंदर से तो इससे ज़्यादा हसीन होगी, कितनी प्यारी नज़र आ रही है। और यहाँ से ये फुल उनके वॉशरूम एरिया बने हुए हैं जहाँ से हम एहराम बांधेंगे और नवाफिल अदा करने के लिए हम मस्जिद आयशा के अंदर जाएँगे। और ये देखें कितनी क्यूट सी बिल्ली है, मुझे हर जगह मदीना मक्का जिद्दा हर जगह ये बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं। और ये कितने सुकून से सो रही हैं, इसका सुकून का लेवल चेक करें। हम इतने लोग आ जा रहे हैं इसे कुछ पता ही नहीं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एहराम पहन लिया और अब चलते हैं मस्जिद आयशा के अंदर। और सबसे पहले अपने इस छोटे से मुन्ने को उठाएंगे, क्योंकि ये जो इसने एहराम नहीं बांधा है इसे हम बाद में पहनाएंगे हरम में, क्योंकि ये तो छोटा बच्चा ही है। और अब चलते हैं जल्दी से, पहले स्लीपर्स अपने जो है वो साइड में रखते हैं और अंदर की तरफ। चप्पल रखेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। चप्पल लाई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी पढ़ ली और नफल वगैरह भी अदा कर ली हैं। और अब बाहर निकलते हैं और सबसे पहले तो अपने स्लीपर्स लेंगे और फिर बाहर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये खूबसूरत मनाज़िर हैं, सुभानअल्लाह।
और फिर से मुझे ये दूसरी बिल्ली मिली है और इतनी क्यूट थी, और ये तीसरी, मतलब जैसे मैं निकलती गई इतनी प्यारी प्यारी कैट्स बैठी हुई थी और मेरा तो दिल इतना कह रहा था मैं इनके साथ खेलूं, म्याऊं म्याऊं करूं और मैं यहाँ पे खेलने ही बैठ गई। और अब चलेंगे हरम की तरफ इंशाल्लाह। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, और सामने आप देख रहे हैं क्लॉक टावर मक्का का। और जैसे ही आप मक्का में एंटर होंगे, और ये क्लॉक टावर बिगेस्ट क्लॉक टावर इन द वर्ल्ड है, माशाल्लाह से इसकी क्या ही बात करें। और अब हम पहुंच चुके हैं, और ये सामने अल्ताजिज़ है और अलबेक, ये दोनों ही बहुत बेस्ट हैं, बहुत बहुत बेस्ट हैं। यहाँ का फूड जो होता है ना, बस बहुत अमेजिंग। और जिसने अलबेक नहीं खाया उसने समझो कुछ भी नहीं खाया मक्का में। और ये है, हम यहाँ पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमें असर की नमाज़ भी पढ़ ली, और अब मगरिब की नमाज का भी टाइम हो गया। और मेरे जो मामू वाले थे वो नानी जान को लेके उम्रा करवाने ले गए, और अभी हम यहाँ आ गए अलबेक पे। सोचा कि पहले कुछ खा पी लें, फिर हमें उम्रा भी करना है, तो यहाँ से लेते हैं पहले अलबेक नेगेट्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेगेट्स की ढील होती है और वही मिलती है। इसको चलते हैं अंदर, जल्दी से लेके आते हैं। ये जी हमारा अलबेक आ गया, और अभी हम इसका ना बर्गर बनाएंगे, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक आपको बर्गर देते हैं, और यहाँ पे बर्गर्स वाले नहीं मिलते, जो बारबेक्यू वाले बर्गर्स होते हैं, और इतने लजीज बर्गर होते हैं इसके जो मैंने मदीना में ट्राई किए थे, तो यहाँ पे दूर दूर वाले अलबेक्स पे मिलते हैं। सो पहले सबसे पहले हम नगेट्स ट्राई करेंगे, और ये बहुत स्पाइसी है, बहुत नहीं हमारे लिहाज से तो बहुत नहीं है, पर सऊदियों वाले के लिए बहुत स्पाइसी होता है। और ये चेक करें इसका, वाओ, देख रहे हैं ना, ये सारे सॉसेस अंदर डाले हुए होते, इतना टेस्टी होता है मैं क्या बताऊँ। और अब मैं बर्गर को तोड़ूँगी और इसके अंदर जुगाड़ करना पड़ता है ना, हम पाकिस्तानी जुगाड़ी तो मैंने सोचा कि हम इसे एक जुगाड़ कर लेते हैं, तो फिर हमने ना ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। सो पहले मैंने ना इसमें दो नगेट्स डाले, उसके बाद जाएंगे फ्राइज, और इसके बाद इसका जो लजीज लजीज है मज़ेदार सा सॉस है, वो कौन सा है आपको तो पता होगा, इनका जो गार्लिक सॉस है वो बहुत मज़ेदार है, पर किसी को पसंद होता है नहीं होता है, पर हमें तो बहुत ही पसंद है। और केचप, और उसके बाद ये फाइनल ये देखें बन गया माशाल्लाह से, और खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बाद अब हम आ गए हैं हरम की तरफ, और यहाँ से हम अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे तवाफ़, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ हो गया, अब कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे सफ़ा और मरवा करने और अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे बहुत सी दुआएं मांगी, अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सो हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।